महावीर यूनिवर्सिटी में कार्तिक वदी नवमी पर दो इतिहास दर्ज हुए हैं। श्वेतांबर पंथ के बड़े संत आचार्य श्रीमद विजय इंद्र दीन श्रीश्वरी महाराज साहेब की जन्म शताब्दी का यूनिवर्सिटी की ओडी में भव्य शुभारंभ हुआ। आज से देश भर में संत विजय इंद्र दीन श्रीश्वर जी महाराज साहेब को लेकर साल भर कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में श्वेतांबर विचारधारा के तीन बड़े संतों श्री आत्मा बल्लभ समुद्र श्रीश्वरी महाराज साहेब के नाम पर जैन अक्षय निधि पीठ स्थापित हो गई है। इससे पूर्व कुलाधिपति सुरेश जैन ने गुरु श्री आत्मा बल्लभ समुद्र सूर्य जैन अक्षय निधि पीठ स्थापना की विधिवत घोषणा की। टीएमयू और श्री ओस्तरा पाशवनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक ट्रस्ट के बीच MOU साइन हुआ। यूनिवर्सिटी की ओर से रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा और ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर जय कुमार ढड्डा ने साइन किए। दुनिया के जैन शोधार्थियों के लिए अब तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में जैन स्टडी और रिसर्च के द्वार खुल गए हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर देश भर से श्वेतांबर धारा से संबद्ध सैकड़ों भक्तों के संग संग आचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वरी जी महाराज साहेब और TMU के कुलाधिपति सुरेश जैन की गरिमाए उपस्थिति रही। इस प्रोग्राम में साधु साध्वी वृंद के अलावा UP, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, दिल्ली आदि राज्यों से सैकड़ों डेलीगेट्स ने भाग लिया। इससे पूर्व माँ सरस्वती और आचार्य श्रीमद विजय इंद्र दीन श्रीश्वर महाराज जी साहेब जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शंखनाद हुआ। इस मौके पर कुलाधिपति सुरेश जैन को श्री आत्मानंद जैन सभा मुरादाबाद और श्री ओस्तरा पाशवनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक ट्रस्ट की ओर से समाज रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि DIG शलभ माथुर, TMU के GPC मनीष जैन, श्रीमती ऋचा जैन, डीयूक ग्रुप के चेयरमैन कोमल चंद्र जैन, अनिल जैन, डॉक्टर जय कुमार ढड्डा, संजीव जैन, नेमचंद्र जैन आदि की गरिमाएं मौजूदगी रही। संचालन TMU के निर्देशक PND विपिन जैन और आत्मानंद जैन सभा मुरादाबाद के महामंत्री राजीव जैन ने बारी बारी से किया। कार्यक्रम के अंत में गुरु श्री आत्मा बल्लभ समुद्र सूर्य जैन अक्षय निधि पीठ कक्ष का उद्घाटन हुआ। जाने माने विद्वान प्रोफेसर धर्मचंद्र जैन को पीठ का प्रोफेसर चेयर नियुक्त किया गया। TMU के कुलाधिपति सुरेश जैन ने कहा, यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के बीच यह MOU महज कोई दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक शिलालेख है। हम रहें या ना रहें, लेकिन ये शिलालेख आने वाली पीढ़ियों के लिए सदियों तक रहेगा। यह श्वेतांबर पंथ की परंपराओं से ऊपर संपूर्ण जैन समाज के युवाओं के लिए है। अपनी स्मृतियों पर जोर देते हुए बोले कि एडमिशन देते वक्त मैंने कभी भी पंथों में भेदभाव नहीं किया है। छात्र दिगंबर हो या श्वेतांबर या दिगर पंथ का, सभी को एक समान स्कॉलरशिप दी है। वे अपने स्वर्गीय पिताश्री श्री प्रेम प्रकाश जैन का भावपूर्ण स्मरण करते हुए बोले कि पिताश्री की ही अनमोल सलाह पर यूनिवर्सिटी का नाम तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी रखा गया है। अंत में उन्होंने जैन समाज से आग्रह किया कि कमजोर माली हालत के जैन बंधुओं के उत्थान के लिए हम सब संगठित होकर जुट जाएं। इस अवसर पर कुलाधिपति सुरेश जैन और GVC मनीष जैन ने 2000 वर्ष पूर्व आचार्य उमा स्वामी के रचित ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र और MOU के प्रति सादर भेंट किए। कुलाधिपति GVC समेत फर्स्ट लेडी वीना जैन ने महाराज श्री उनकी माता जी और अन्य साधु साध्वी वृंद से आशीर्वाद लिया। इससे पूर्व महाराज श्री के प्रशस्ति पत्र का वाचन एसोसिएट डीन प्रोफेसर मंजुला जैन ने किया। इसके बाद महाराज श्री को शॉल उड़ाकर प्रशस्ति पत्र सादर भेंट किया गया। पर महाराजों से भी, मैं दिगंबर साधुओं से भी ये निवेदन करता हूँ कि आपके लिए मंदिरों में के लिए, धर्मशालाओं के लिए और जो भी पैसा इकट्ठा होता हो उसका कुछ कोष उस नगर के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर खर्च हो जाए। तो हमारी पीढ़ी सुधरेगी, हमारा आने वाला जीवन सुधरेगा और हमारे वो बच्चे जो कमजोर किस्म की नौकरी करते हैं वो अच्छी नौकरी करेंगे, यानी पियोन की और अटेंडेंट की नौकरी से ऊपर बढ़कर समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। अपनी बात पर आता हूँ, मैं सुरेश जैन, चांसलर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, आचार्य श्री के सम्मुख और आप सबके सम्मुख अपनी पावर का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रत्याशा से कि शीघ्र ही मेरी इस घोषणा को एग्जीक्यूटिव बॉडी और गवर्निंग बॉडी से परमिशन मिल जाएगी, घोषित करता हूँ कि आज जो ये स्थापना हो रही है
उन्हीं शब्दों में मैं इसकी स्थापना और जिस नाम से ये पीठ आगे चलेगी उन्हीं शब्दों में कर रहा हूँ। गुरु श्री आत्मबल्लभ समुद्र सूरी जैन अक्षय निधि पीठ। की स्थापना की विधिवत घोषणा करता हूँ। बोले महावीर स्वामी की जय। धर्म के प्रचार प्रसार को समर्पित यह व्यक्तित्व आज हमने केवल इसीलिए इस दिन को चुना कि इनका यह कार्य था और इनके द्वारा सूचित निर्दिष्ट और हमारे आराध्य पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की इच्छा के अनुरूप यह कार्य बस हमने इसीलिए आज का दिन चुना। दे रही है उनकी बहुत बहुत अनुमोदना कर रही है महाराज श्री, कृपया इनको भी कृतार्थ करें। श्रीमती बीना जैन प्रथम महिला तीर्थंकर महावीर जीव मात्र के हित को ध्यान में रखते हुए यदि किसी ने भी व्यवस्था दी हो तो वह एकमात्र या उनमें से प्रमुख जिनेंद्र भगवंत हैं। हर एक चाहे एक इंद्रिय हो चाहे बे इंद्रिय हो चाहे ते इंद्रिय हो चाहे चौरिंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, जैसे कि हम कहें हजारों रोगों की एक दवाई, हजारों समस्याओं का एक समाधान यदि किसी ने दिया, यदि किसी ने बतलाया दिखाया सिखाया तो वह। और जब मैं एजुकेशन शब्द को ही खंगालने की कोशिश करता हूं, इसका सीधा सा मतलब है कि मोल्ड और ट्रेन और ब्रिंग आउट फ्रॉम विद इन, दैट मींस विद्यार्थी के अंदर जो कुछ है उसको बाहर निकालना, पोटेंशियल। अब प्रॉब्लम क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप पिछले 150 सालों पीछे भी जाए, हमारी जो व्यवस्था थी एजुकेशन की वो मैकॉली द्वारा 3 आर्ट्स में सीमित कर दी, रीड राइट एंड अरिथमेटिक, और वो फिर डिग्री के इर्द गिर्द कर डिग्री को इतना सीमित कर दिया कि मानव का एक इसका दिमाग का एक छोटा सा पार्ट ही इनफ है उस डिग्री को अर्न करने के लिए। लेकिन जब हम संपूर्ण विकास की बात करते हैं तो आपके पूरा दिमाग, आपका हार्ट और आपके हैंड तीनों का डेवलप होना चाहिए साथ साथ। असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक ने इस वर्ष हमारे विश्वविद्यालय को ग्रेड ए से नवाजा है। हमारा विश्वविद्यालय ए ग्रेड के साथ ही हमारा विश्वविद्यालय को हेल्थ साइंस कैटेगरी यूनिवर्सिटी में इसको ए ग्रेड मिला और उत्तर प्रदेश का ये दूसरा विश्वविद्यालय है जिसको ए ग्रेड हेल्थ साइंस कैटेगरी में मिला है और संपूर्ण नॉर्दर्न इंडिया में ये 13वां विश्वविद्यालय है जिसको ए ग्रेड मिला। मुख्याधिपति जैनाचार्य विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर महाराज जी के चरणों में वंदन। आज तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के सभागार में जैन अक्षय निधि पीठ की स्थापना हेतु आयोजित कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति से संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार आप अपने आप को धन्य एवं गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। जिसका बोध भारतीय परंपरा में अधिकतर विद्वानों को नहीं है, अधिकतर लोगों को नहीं है और जैन अनुयायियों को भी नहीं है। जैन अनुयायी भी केवल हमारे जो मंदिर हैं उनकी उपासना तक सीमित हैं या जो हमारे मुनिजन हैं उनकी सेवा भक्ति कर लेते हैं और अपना संतोष समझ लेते हैं, किंतु जैन विद्या कितनी गहन है और कितना विपुल साहित्य इसमें है उसका अध्ययन इन अध्ययन केंद्रों के माध्यम से संभव है।